काफी टाइम बाद भारतीय कंटेंट वाली कुछ अच्छी टॉलरेबल कॉमेडी मूवी आई है यार, ये मैं कह सकता हूँ। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ छलांग मूवी के बारे में। तकरीबन ये 2.5 घंटे की मूवी है, उससे थोड़ी बहुत कम ये मूवी कह सकते हो कि मतलब इतनी लेंथी नहीं है। इसे अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया, इसे डायरेक्ट किया है हंसल मेहता ने। इसके अंदर कास्ट है राजकुमार राव, मोहम्मद जिशान, आयु, नुसरत बरूचा और बाकी अन्य कलाकार। अब इसकी कहानी के बारे में बात कर लेते हैं। देखो इसकी कहानी कोई इतनी नई नहीं है, फिर भी चलो चलो मैं बाद में बात करते हैं इसके बारे में, पहले इसकी कहानी के बारे में बता देता हूँ। अब क्या होता है कि एक स्कूल में पीटीआई टीचर होता है जिसका नाम होता है महेंद्र हुड्डा, उफ कह लेते हो मोंटू। अब वो वहां पे जाके मतलब पीटीआई का मतलब होता है ना कि एक तरीके से जो पीटी करवाते हैं, मतलब एक्सरसाइज करवाने में, तुम सिंपल लो इस चीज को। लेकिन इस इंसान ने कभी भी अपने काम को सीरियसली नहीं लिया, इसने कभी बच्चों की फिजिकल हेल्थ को लेकर कभी ध्यान नहीं दिया। देखो यार कहीं ना कहीं तो ट्विस्ट आना ही था, और ट्विस्ट आता है ये सीरियसली तब लेता है जब एक नया टीचर इसके स्कूल में आता है और मोंटू को इसका असिस्टेंट बनाया जाता है। और मोंटू की तब बहुत ज्यादा सुलग जाती है कि अब तो ये टीचर के किताब पे था, मतलब एक पद पे था, और अब अचानक इसको असिस्टेंट बना दिया गया, इसकी वैल्यू घट के इसके दिल पे लग जाती है। और फिर वही मोंटू एक डायलॉग मारता है, हम दोनों के बीच में एक कॉम्पिटिशन होना चाहिए, जो ये कॉम्पिटिशन जीतेगा वो इस स्कूल में रहेगा और बाकी जो जो हारेगा वो स्कूल को छोड़ के चला जाएगा। और मोंटू कहता है कि मैं सबसे पहले आईएम सिंह को मैं कहता हूँ कि वो अपनी टीम चुने, वो जो मर्जी 3 खेल चुने, मतलब एक तरीके से होता है ना फिल्मी डायलॉग, कुछ मारना तो पड़ता है ना, मतलब कुछ खाली पीली हो ना शरीर में कुछ होना। वैसे एक डायलॉग मुझे इस मूवी का काफी पसंद आया, शरीर 70 किलो का और घमंड 150 किलो का, मतलब सह तोड़ना पाता है इस चीज को। और फिर ये दोनों बच्चों की अपनी अपनी टीम बनाते हैं, उनको तैयार करते हैं। अब तैयार करने के लिए इन्होंने कभी अलग अलग पैंतरे अपनाए हैं। एक चीज मुझे बताओ यार, बच्चों को अपने तैयार करने के लिए उनको दौड़ाना है तो उनके पीछे कुत्ते कौन दौड़वाता है? मतलब मानो चलो कुत्ते कौन दौड़वाता है यार सच में। अमरूद के खेत में जाके अगर वो अमरूद तोड़ रहे हैं तो एक चीज मुझे बताओ, कुत्ते दौड़वा दिए लेकिन उनके पीछे कुत्ते कौन छोड़ेगा? एक तो ये तो यार मुझे कोई माना, मुझे तुम लोगों को यूनिक करना था लेकिन यूनिक के चक्कर में किसी की फड़वाओ तो मत यार तुम। जब ये दोनों अपनी अपनी टीम जो है वो तैयार कर लेते हैं, जब उनका कॉम्पिटिशन होता है, अब देखो यार मुझे बताने की तो जरूरत नहीं होनी चाहिए ना कि कौन जीतने वाला है, अब तुम खुद समझदार हो। इतना कोई ज्यादा इसमें टर्न एंड ट्विस्ट नहीं है कि तुम सोचो कि ओ ये हो गया, ओ ये होना था। मैं सच कह रहा हूँ यार, तुम सच में प्रिडिक्ट कर चुके हो कौन जीतने वाला। अब मैं तो नाम नहीं ले सकता हूँ क्योंकि रिव्यू चैनल है यार, वही चीज अगर कहोगे कि स्पॉइलर बता दे, लेकिन इस मूवी की सबसे बड़ी कमी यही है, इसका प्रिडिक्टेबल होना। लास्ट में कौन जीतता है ये हम पहले ही डिसाइड कर चुके होते हैं, हमें पहले ही पता होता है। अब उस जर्नी को कैसे पार करना है, चलो ठीक है हमें प्रिडिक्शन पता है कि भी हाँ लास्ट में कौन जीतने वाला है, लेकिन अब जो जर्नी जो दिखाई जानी थी वो कैसी, कॉमेडी से भरपूर होनी थी या फिर उसमें कुछ अलग से टर्न एंड ट्विस्ट आने थे? बट हाँ कुछ इतना कुछ नहीं था। हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि कॉमेडी है इस मूवी के अंदर और काफ़ी अच्छी की गई है। इसके अंदर जो डायलॉग है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छे लगे, और इसके अंदर जो लैंग्वेज यूज़ की गई है, जो हरियाणवी लैंग्वेज यूज की, वो तो यार मतलब हरियाणा से तो अच्छी तो लगेगी ना यार वो तो। और एक बात बताओ यार, इक्वेलिटी के नाम पे तुम लड़कियों को लड़कों से कैसे लड़वा सकते हो? मतलब कबड्डी में लड़की उतार रखी है, सामने लड़कों की टीम, मतलब ये कहां का लॉजिक था यार, तुमने लॉजिक को मार दिया था क्या? और साथ ही साथ इस मूवी में एक लव एंगल भी देखने को मिल जाता है, मतलब जो एक लड़की होती है इसका नाम नीलिमा होता है शायद, आई थिंक नीलू, यही होता है नीलू, और मोंटू का इसमें प्यार आपको देखने को मिलेगा। यही तो होता है ना कि भारत का मूवी में जब तक प्यार ना डालो ना, लौंडे एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पाते उस मूवी से, मतलब वो डालना जरूरी होता है, समझ रहे हो ना, भारत की निशानी समझ लो इसको। बट एक चीज मुझे इस मूवी में जो सबसे ज्यादा पसंद आई, इस मूवी के लास्ट में जो बातें कही गई राजकुमार राव के द्वारा, मतलब इसमें कोई इंसान कोई हारता है जो जीतता है, मतलब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना वहां पर, वो काफी ज्यादा मुझे पसंद आया और उसकी वजह से मैं इस मूवी का, मतलब मुझे पसंद आई, मैं ये रिकमेंडेड कर सकता हूँ कि हाँ आप ये मूवी देखिए। परफॉर्मेंस की बात करूं तो मैं ये कहूंगा कि यार हर एक कलाकार ने अपनी परफॉर्मेंस बहुत ईमानदारी से निभाई, और जो इसमें लैंग्वेज यूज की गई ऑब्वियसली हरियाणवी जो यूज की गई थी, मैं यही कहूंगा कि जो मोंटू की जो माँ है, जिन्होंने माँ का जो करेक्टर प्ले किया, उन्होंने ही काफी अच्छी हरियाणवी बोली, मतलब पता चल जाता है ना क्योंकि हम हरियाणवी बोलते हैं, हरियाणा में रहते, तो जो हरियाणवी बोलते हैं उनको पता होता है कि कौन हरियाणवी अच्छे से बोल पा रहा है, तो हाँ उन्होंने काफी अच्छी बोली। बाकी सबने मतलब लैंग्वेज को, मतलब समझ रहे हो ना यार तुम, ज्यादा सीरियसली मत ले जाना इस चीज को। और कोई मुझे ये बताओ यार, एक लौंडा जो है वो बदमाश है वो तभी का तभी सुधर जाएगा, एक लड़की जो वो सुंदर लड़की उसको आगे बोले कि यार ये तुम गलत कर रहे हो, अगले ही पल मतलब एक घंटे बाद वो सुधर जाएगा? यार तुम तो फिर से तुम लॉजिक को मार दिया यार। ऐसे एक चीज देखा जाए, वो लौंडा जो सुधरा है वो उसकी बात से नहीं सुधरा है, वो ठरक की वजह से सुधरा है। सारे के सारे ये जो सीरीज ये मूवी बन गई ना,
सारे के सारे जो लौंडे हैं वो चमड़ी हैं साले। मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 6 out of 10 स्टार। अगर किसी ने मूवी देख रखी है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों को इस मूवी में क्या अच्छा लगा, कौन सा डायलॉग अच्छा लगा। काफी अच्छे डायलॉग थे। अगर जिन्होंने नहीं देखे तो हाँ आप जाके देख सकते हो, आपको हंसी आएगी। एक फैमिली के साथ देखने वाली मूवी, कुछ भी इसके अंदर कुछ गलत नहीं है, ना ही मतलब कोई गाली भी नहीं है। बेशक आप इसको अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। Kaiko no itami seo.